देखिए रात के 10 बज चुके हैं और खबर विशेष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के दो बड़े युवा नेता के बारे में। एक तरफ बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान हैं। देखिए सबसे पहले बात हम चिराग पासवान की कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान को लोगों ने कहा कि चिराग पासवान राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होंगे, लेकिन अपने पिता के निधन के तुरंत बाद ही चिराग पासवान जब बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर निकले, उसके बाद चिराग पासवान की चर्चा उसी समय से बिहार में खूब होने लगी। देखिए साल 2014 में चिराग पासवान राजनीति में पहली बार आए और जमुई लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। आपको पता होगा कि चिराग पासवान इससे पहले बॉलीवुड में एक फिल्म में बतौर अभिनेता काम भी कर चुके हैं। कंगना रनौत उसमें एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी और चिराग पासवान उसमें मुख्य रोल हीरो का किए हुए थे। और 2014 में जब चिराग पासवान राजनीति में चुनाव लड़े जमुई लोकसभा सीट से सांसद का, 1,00,000 से वोटों से चिराग पासवान जीत हासिल किए। और साल 2019 में जब चिराग पासवान दोबारा जमुई लोकसभा सीट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा तो पहली बार से ज़्यादा लगभग 2,00,000 से अधिक वोटों से चिराग पासवान जीत हासिल किए। देखिए चिराग पासवान भले ही राजनीति में उनकी पहचान उनके पिता रामविलास पासवान जी के बदौलत हो, लेकिन आज चिराग पासवान जिस मुकाम पे हैं, जहां पर चिराग पासवान खड़े हैं, वहां पर उनकी अपनी जो कर्मभूमि जमुई लोकसभा सीट रही है, वहीं से चिराग पासवान को पहचान मिली है। और चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार में काम करते हैं, बिहार के युवाओं की बात करते हैं, चिराग पासवान को पहचान वहीं से मिली है। और लगभग युवा में बात की जाए तो चिराग पासवान का अच्छा खासा पकड़ है। चिराग पासवान को सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग चिराग पासवान को पसंद करते हैं। और अगर बात अब बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की जाए, देखिए तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही आरजेडी के सुप्रीमो हैं, और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। और तेजस्वी यादव का भी इतिहास रहा है कि तेजस्वी यादव भी राजनीति से पहले क्रिकेट में थे और उन्होंने दिल्ली डिविलियर्स के तरफ से आईपीएल मैच में थे और तेजस्वी यादव मैच में उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन जब राजनीति में तेजस्वी यादव कदम रखे तब युवा नेता युवा लड़का तेजस्वी यादव जिस तरीके से राजनीति को समझे और राजनीति में आज उनके नाम का डंका बज रहा है। आरजेडी के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, अकेले पूरे कमान को संभाले और 2020 के चुनाव भला कौन भूल सकता है, विधानसभा में तेजस्वी यादव बीजेपी को परास्त कर रहे थे। एक दिन में कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से जाकर तेजस्वी यादव विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खुले मंच से यह भी कह रहे थे कि हम युवा हैं, ऊर्जावान हैं, हमें आप मौका दीजिए, बिहार की दिशा और दशा बदल देंगे। हालांकि 2020 में तेजस्वी यादव को मौका तो नहीं मिल पाया, लेकिन साल 2022 के अगस्त महीने में तेजस्वी यादव महागठबंधन का सरकार बना, यानी कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी से मिलकर उन्होंने फिर से बिहार में सरकार बनाई और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। और जैसे ही तेजस्वी यादव बिहार के गद्दी पर बैठे कि उन्होंने जो वादा किया था
कि पहली कैबिनेट में 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव एक साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव ने दिए हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की चर्चा बिहार के राजनीति में खूब हो रही है। युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार में राजनीति किए हैं, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के पास कई अलग अलग विभाग है, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग भी तेजस्वी यादव के पास है। और तेजस्वी यादव इन स्वास्थ्य विभागों में जिस तरीके से अब सुधार किए हैं, भला बिहार के जो सरकारी अस्पताल का व्यवस्था में अब कहीं ना कहीं जो सुधार आ रहा है तेजस्वी यादव के बदौलत। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से 2020 के चुनाव में जनता के बीच में जाकर जो वादा कर रहे थे, उस पर अब खड़े उतरते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। और युवाओं में तेजस्वी यादव का भी अच्छा खासा पकड़ है। अब देखिए, बिहार के इन तमाम जो अब राजनीति में युवा चेहरा की जब चर्चा हो रही है, तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के नाम खूब आता है। तेजस्वी यादव बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार में जिस तरीके से अब काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी चर्चा भला क्यों ना हो। और देखिए, अब 2024 के लोकसभा का चुनाव सामने है और चिराग पासवान एनडीए में हैं और तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस में, INDIA अलायंस में, महागठबंधन जो है उसमें तेजस्वी यादव है। आप क्या सोचते हैं बिहार के दो युवा नेता के बारे में, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार एक सोच आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।